आप कंटिन्यू बना लो ना एक जो सचियां उधर से बात कर रही हैं तो उधर पर व्यंग कर रही हैं। एक्चुअली ये जो भ्रमर गीत है ना, ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ है, ताना मार रही हैं, उलाहना दे रही हैं और व्यंग्यात्मक शैली में बात कर रही हैं। देखो कैसे कर रही हैं, उदो भली करी अब आए, उदो उदो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए, जबकि उद्धव का आना सखियों को पसंद नहीं आया है, क्योंकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रस्ताव लेकर आए हैं, जो सखियों को कतई पसंद नहीं है, वो कृष्ण को छोड़कर किसी और निर्गुण ब्रह्म को ध्याना ही नहीं चाहती। उन्होंने तो साफ साफ पूछ लिया, निर्गुण कौन देश को वासी रही, हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करनी है। फिर भी वो उद्धव पर व्यंग कर रही है, उद्धव तुम आए, चलो तुम्हारे आने में कुछ तो अच्छा ही हुई, तुम ब्रज में आए, तुम्हारे आने से ब्रज में कुछ तो अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ, विधि कुलाल की ने कांचे घट ते तुम आन पकाए, विधि भगवान ने तो हमको कच्चे घड़े की तरह बनाया, हम अभी तक कच्चा घड़े थी, जैसे कुम्हार का कच्चा घड़ा होता है ना, हम कच्चा घड़ा था, कभी भी फूट सकते थे, मगर तुम्हारे आने से हमारा ज्ञान मजबूत हो गया, अब हम कच्चे घड़े नहीं रह गए, हम पक्के रह गए। एक्चुअल में क्या है कि सखिया ये कह रही हैं कि अभी तक तो शायद हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति थोड़ा कम भी हो जाता, थोड़ी हम कच्ची रह जाती कृष्ण से प्रेम करते समय, लेकिन अब तुमने जो निर्गुण ब्रह्म का प्रस्ताव हमें दिया है, इसके कारण तो विरोध स्वरूप हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। होता ना बेटा, एक मनोविज्ञान होता है, अभी आपसे कहें ये मांग मत करो मत करो मत करो, तो एक युवाओं की आदत होती करेंगे जिस चीज के लिए रोका जाता है ना, उस काम को अपनी एक प्रवृत्ति है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है कि जिस काम के लिए मना किया जाता है ना, एक बार तो मन करता है यार करके देख ले, कोई हमसे कहे उस कमरे में मत जाना, अब तो साला रात और दिन वही कमरा दिखता है यार, उस कमरे में क्या है, क्यों किया मना जाने के लिए, जाके तो देखूंगी मैं तो क्या है। तो सखियां यही कह रही हैं कि तुम्हारे आने से शायद अभी तक हमारे प्रेम में जो कच्चापन था कृष्ण के प्रति, वो प्रेम हमारा और भी अधिक मजबूत हो गया, तो तुम ब्रज में आए तो बहुत अच्छा किया तुमने, कुछ तो भला है, कुछ तो अच्छा हुआ, क्योंकि हमारा प्रेम पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। रंग दीनो हो कान सांवरे, तुमने तो हमको अपने कन्हैया अपने सुंदर सलोने सांवरे जो कन्हैया है उनके रंग में रंग दिया है, क्योंकि तुम निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो और प्रतिक्रिया स्वरूप हमको तो अपने कृष्ण ही याद आ रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो कृष्ण का सांवला रंग और भी अधिक चढ़ गया है। अब अंग अंग चित्र बनाए, और तुमने तो हमारे अंग अंग में कृष्ण के चित्र बना दिए, क्योंकि तो जैसे हम तुम्हें देखते हैं हमें कृष्ण ही याद आ जाते हैं। याते गरे ना नैन नहते अवधि अटा पर छाए, और हमारी आंखों में से जो आंसू बह रहे हैं उन आंसुओं में से कृष्ण की छवि कम नहीं हो रही है, कृष्ण की छवि और ज्यादा गहराती जा रही है। ये एक अलग बात है कि कृष्ण हमें अभी दिखाई प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जब आसमान में बादल छा जाते हैं ना, जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो हमको सूरज और चंद्र का कहाँ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ना, क्योंकि वो बादलों के अंदर छिपा हुआ होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कृष्ण भी हमारे क्या है, चंद्रमा और सूरज है, और ये जो समय है ना, ये बादल इधर देखिए आप लोग कहीं इधर उधर नहीं देखेंगे, ये जो बादल है ये है समय, जैसे समय ने कृष्ण को हमसे छुपा लिया, जैसे बादल चंद्रमा को सूरज को छुपा लेता है, ऐसे ही इस वक्त ने थोड़े वक्त के लिए कृष्ण को हमसे ओझल कर दिया है, वरना तो हम कृष्ण के दर्शन करके ही रहेंगे। जब बादल चढ़ जाते हैं तो सूरज और चंद्र की अनुभूति उनकी प्रत्यक्ष प्रतीति हमें होने लगती है। तो फूल ब्रज करी अमा जोग ईंधन करी, अब देखो रूपक अलंकार क्या सुंदर रूपक दिया उसने, क्या तुम आए हो ना ब्रज में, बहुत अच्छा किया, अभी तक हम कच्चे घड़े की तरह थे, कुमार का जो कच्चा घड़ा होता है ना उसकी तरह थे। कुमार क्या करता है बेटा, घड़े को जब बनाता है कच्चे घड़े को, तो खूब सारे कच्चे घड़े और जो भी सामान वो बनाता है उसको वो इकट्ठा कर लेता है, फिर आपने देखा होगा वो एक काफी लकड़ी और गोबर के कंडे वंडे लगा के एक आवा, उसको आवा कहते हैं, दहाड़ सा लगाता है, जैसे आप कहते हैं ना उसे बॉनफायर कहते हो ना, आप क्या कहते हो, बॉनफायर करते नहीं करते, तो ऐसे कुम्हार यदि तुमने देखा है तो कुम्हार लकड़ियों का और एक कंडों का एक बहुत बड़ा सा अग्नि का गोल 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 बनाता है, उसके अंदर सारे वो कच्चे कच्चे घड़े रख देता है और बाहर सारी अग्नि जला देता है ना,
और उस अग्नि से वो अंदर के घड़े पक जाते हैं। तुमने देखा होगा पहले तो जो कच्चे घड़े होते हैं वो मिट्टी जैसे होते हैं, पर अब क्या देखते हैं तुम, वो घड़े तुम्हें लाल लाल से रंग के दिखेंगे, वो पक जाते हैं, पक जाते हैं। तो वो आंवला, तुमने इस पूरे ब्रिज को क्या बना दिया है, आंवला बना दिया है, अर्थात वो बॉन फायर प्लेस बना दिया है। बैठ जाइए, बॉन फायर प्लेस बना दिया है उसको। हम कच्चे थे, हमारा प्रेम कच्चा था, और अब तुमने तो उसको आंवला बना दिया। अब तो हमारा प्रेम बहुत ज्यादा पक गया है, तो ब्रज करी आंवला। तुमने इस ब्रज को क्या बना दिया है, वो अग्नि का आंवला बना दिया है, और योग, ये योग का जो उपदेश दे रहे हो ना, इसका ईंधन जला दिया है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमा और उपमेय को एक बताया जाता है। ब्रज को आंवला बता दिया और योग को क्या बता दिया, ईंधन। तुम्हारे ये योग है ना, ये ईंधन का काम कर रहा है, अर्थात अग्नि को ज्यादा प्रज्वलित कर रहा है। सुरत आन सुलगाए, और हम तो थोड़ा थोड़ा कृष्ण को भूल गए थे, पर तुमने आके माचिस लगा दी हमारे उस अग्नि में, प्रेम अग्नि में। हमारा प्रेम और अधिक सुलग गया है, अब तो हमको प्रेम का, कृष्ण का ध्यान और अधिक आने लगा है। फूक उसास, और इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए क्या करते हैं, फूक मारते हैं। आपने देखा होगा चूल्हा जलता है तो लोग ऐसे करके अग्नि को जलाते हैं, और ये जो हमारी सांसें हैं ना, ये उस अग्नि को प्रज्वलित करने का पवन का काम कर रही है, हवा का काम कर रही है। तो ये जो हमारे कृष्ण के प्रति जो विरह बहता है ना, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ध्यान दरस सियराए, अब तो हमें यदि शीतलता मिलेगी तो कब मिलेगी, जब कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे तभी हमें शीतलता मिलेगी, वरना तो हम कुम्हार के आंवले की तरह जलते ही रहेंगे। ओके बेटा, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुवन नक आहू पाए, और हम तो कृष्ण के प्रेम जल से संपूर्णता से भरे हुए हैं, हमें कोई और ईश्वर छू भी नहीं पाएगा, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म हमें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम से पूरी तरीके से भरपूर हैं। और देखो, तुम हमें ना कोई दिलासा विलासा मत दो, हमें मालूम है हमारे कृष्ण कहाँ गए हैं, हमारे कृष्ण राजकाज करने गए हैं मथुरा, कोई महान काम करने गए हैं, राज्य का कोई महान कार्य करने गए हैं, जनता को कोई सुख और भलाई का कार्य करने गए हैं, आ जाएंगे लौट के। हमारे जो नंद नंदन है, हमारे जो कृष्ण है, वो राजकाज से गए हैं, तुम हमें दिलासा मत दिलाओ, चंद्रगुण ब्रह्म की उपासना करो, हमारे कृष्ण वापस आ जाएंगे, हम तो उन्हीं की एक निष्ठ पूजा और उपासना करेंगे। ओके, समझ में आया बेटा।